यूं तो अमरावती के पश्चिमी क्षेत्र यानी मुस्लिम बहुल इलाके आज भी तरक्की से कोसों दूर है। ना कोई खास दर, ना आमदर, ना कोई नगर सेवक इन मुस्लिम इलाकों के कामों को लेकर संजीदा है। ऐसा ही कुछ हाल शहर के तीनों कब्रिस्तान को शहर से जोड़ने वाले रास्ते का है, जहां शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जिंदा लोग बद से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वहीं मरने के बाद भी इन लोगों को सुकून का रास्ता नसीब नहीं। ये रास्ता कई सालों से खराब है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे फिर वो खासदार, आमदार हो या नगर सेवक, कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। इसी रास्ते से मयत दफनाने के लिए ले जाई जाती है। आपको देखिए ये रास्ते की हालत। ये रोड पे सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा आबादी वाले एरिया में रोड है, और ये रोड पे गांव भी लग के है। इधर से जिंदा को तो तकलीफ ही है, ये रोड पे मुर्दों को भी तकलीफ है। दो दो कब्रस्तान है इधर, एक ये बड़ा कब्रस्तान है, ये पुराना कब्रस्तान, ये नया कब्रस्तान। मुर्दों को भी तकलीफ है, जनाजे जाते तो ये रोड का काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है, और हम चाहते कि सबसे पहले ये रोड का काम हो और ये नालियों का भी काम हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला देखिए आप रश है रोड के ऊपर। भाई मेरा नाम सैयद इमरान है, मैं लालगढ़ी पे रहता हूँ। जब से नगर सेवक आया, जब से देख रहा हूँ ये रोड अभी तक के बना नहीं। सब सब तरफ के रोड बन गए, पर इधर का रोड बना नहीं। गाड़ी वालों को परेशानी हो जाती है, बारिश आई तो पूरा पानी भर जाता, पैर भी नहीं चला नहीं सकते, बरोबर जा नहीं सकते यहाँ से। कब्रस्तान रोड पर उसका भी हाँ जनाजे लेके जाती है यहाँ से, तो पानी के भी के जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और यहाँ पे आवाजाही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रोड बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले यहाँ पे महानगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए और ये रोड को मुकम्मल करना चाहिए। ऐसी मैं महानगर पालिका से विनती करता हूँ ताकि जल्द से जल्द काम ये पूरा करे। इसके पहले भी यहाँ पे 2 से 3 लोग गिर चुके हैं टू व्हीलर से, और एक आदमी फैमिली के साथ में आ रहा था, वो भी गिरा, उसको भी मार लगी। आए दिन हादसे होते रहते हैं यहाँ पे, गिरते रहते लोग, क्योंकि आवाजाही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी है, और उसके बाद में नाली की भी कुछ ज़्यादा सुविधा है नहीं, नाली बनी भी है नहीं। रोड की और नाली की ऐसा महानगर पालिका काम करे, मैं ऐसा आह्वान करता हूँ। ये लालगढ़ की रोड से आ रहे हैं, आधा कब्रस्तान से यहाँ तक रोड बना, इधर सब मेरे गाड़ा वाले गिरे, कर्मचारी कौन है ये? कर्मचारी होए बाद में ये रोडों तकली सारी पब्लिक गिर रही है यहाँ पे। हाँ, ये नाले फाले सब बह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कर्मचारी कौन कौन सा ये है यहाँ पर नगर सेवक? वोट मांगने को आ जाते सिर्फ हमारे घरों को, वोट मांगने को आ जाते हमारे घरों को, और हमारे को बोलते कि भाई वोट दो हम कर लेंगे तुम्हारा पूरा काम, बाकी कुछ भी नहीं करते सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा रोल है जो अमरावती शहर के जो 3 कब्रस्तान है उसको जोड़ता है। ये रोड ही जो है अमरावती को लालखड़ी जैसे पसमानदा इलाकों से जोड़ता है। ना सिर्फ लालखड़ी बल्कि रहमत नगर, अजीम नगर, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ से जहाँ जाने के लिए इसी रोड से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये रोड आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खस्ता हाल है, और यहाँ बदहाली इस रोड से देखने को मिल रही है। ना कोई आमदार, ना कोई जनप्रतिनिधि इसकी ओर ध्यान देने को तैयार है। ऐसे में ये लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन साकिब के साथ